हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं दरौंदा के एक बार फिर से नए विधायक के तौर पे व्यास सिंह, हालांकि वर्तमान में भी ये विधायक हैं। अब व्यास जी, सबसे पहले आपको बधाई एटीएन लाइव के। चलिए, आपको और आपके चैनल को। जिस तरीके से देखा जा रहा था कि जिस तरीके से शुरुआती दौर की अगर आज की हम बात करें, तो शुरुआती में रुझान आपके पक्ष में थे, लगातार हम लोग पहुँचे भी थे, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन बीच में जो 12 बजे के बाद से जो रिजल्ट सामने आया वो आपके पक्ष में नहीं थे, और फिर शाम ढलते ही अचानक पलटी मार दी, ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, हसनपुरा ब्लॉक में पिछले बार भी नहीं जीते थे, इस बार भी नहीं जीते हैं। हसनपुरा ब्लॉक जो है ना, वो कहने का मतलब है कि समझ लिया कि राजद के गढ़ है, महागठबंधन के गढ़ है, उसमें यादव और मुस्लिम वोटर ज़्यादा हैं, तो 9 पंचायत में हारते हैं, चुनाव पिछले बार भी हारे थे, और बाकी 30 पंचायत में चुनाव जीतते हैं, ये हमेशा ही रहा। पिछले बार भी 31 पंचायत में ही जीते थे, इस बार भी 30 पंचायत में ही चुनाव जीते। तो उम्मीद था मतलब कि जीत जाएंगे किसी भी हाल में। पूर्णपेन विश्वास था, पहले भी हम बोले थे कि जनता को मेरे ऊपर पूरा विश्वास था, जनता अपना विश्वास, आशीर्वाद, सहयोग, मत, सब कुछ शुभकामना के साथ हमको पूर्णपेन पहले से ही आश्वस्त कर चुकी थी, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं था। चुनाव दरौंदा की सम्मानित जनता की जीत होनी थी। ये जीत किसकी है, नीतीश कुमार की जीत है या नरेंद्र मोदी की जीत है, किन की जीत है? एनडीए की जीत है, ये दरौंदा की सम्मानित जनता की जीत है, ये व्यक्तिगत किसी की जीत नहीं हो सकती। हमको एक सेवक, एक बेटा के रूप में वो लोग स्वीकार कर लिए, एक सिपाही के रूप में स्वीकार किए हैं, इसके लिए दरौंदा कई लोग, कई बड़े बड़े लोग आपको हराने के लिए भी लगे हुए थे, उसके बावजूद आपने झंडा, बड़े बड़े जी बड़े बड़े लोगों को क्या हम बोले, देख लिए कोई वजूद है, अब देखे नहीं कितना वोट आया, कितना वजूद है उन लोगों का, क्या। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये थे व्यास सिंह, करणजीत सिंह, जो कि दरौंदा से फिर से एक बार विधायक के तौर पे चुने गए। हालांकि सुबह में जिस तरीके से इनके पक्ष में रुझान थे, दोपहर में रुझान इनके विरोध में जा रहे थे, अमरनाथ यादव वहां से लगातार बढ़त बना रहे थे, लेकिन फिर शाम ढलते ही करणजीत सिंह और व्यास सिंह के पक्ष में फैसला आया और अब वो सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुँचे हुए हैं। अब देखना होगा कि दरौंदा की जो राजनीति है वो किस करवट लेती है, क्योंकि कई लोग इन्हें हराने में भी लगे हुए थे, तो ऐसे में अब आगे देखना होगा, क्योंकि अब जो वक्त मिलेगा इन्हें 5 साल का वक्त मिलेगा। अब पिछले अगर हम बात करें तो उपचुनाव में इन्हें महज 8 महीने का वक्त मिला था, लेकिन अब जो वक्त होगा 5 साल का वक्त होगा। ऐसे में देखना होगा कि करणजीत सिंह जो जनता से वादे किए हैं दरौंदा विधानसभा क्षेत्र की जनता से, उन वादों पर कितने खड़े उतर पाते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष और सोमेश के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव, सिवान।